डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दे रखा है 1/√3.25 प्लस 2√2.25 प्लस 1/√4.25 प्लस √3.25 प्लस 1/√5.25 प्लस √4.25 प्लस 1/√6.25 प्लस √5.25 का मान ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पर हमें एक समीकरण दे रखा है, उसको हमें हल करना है, सरल करना है और उसका मान निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1/√3.25 प्लस √2.25। यहाँ पे ये वैल्यू, पहली वैल्यू जो दे रखी है उससे एक कम दूसरी वैल्यू दे रखी है, प्लस 1/√4.25 प्लस √3.25 प्लस √5.25 प्लस √4.25, ठीक है, प्लस 1/√6.25 प्लस √5.25। अब इसका मान निकालना है, तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, एक स्टेप को सॉल्व करूँगा, एक को सॉल्व करूँगा तो दूसरे को फिर इस तीनों को ही अलग अलग सॉल्व करूँगा और फिर तीनों को सॉल्व करने के बाद मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, चारों को। यहाँ पे चार स्टेप में दे रखे हैं, चार संख्या दे रखी है मुझे, चारों को मैं सॉल्व करूंगा और चारों को जोड़ दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं पहले वाले को सॉल्व करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 1/√3.25 प्लस √2.25, ठीक है। अगर मैं इसका संयुग्मीकरण कर दूं तो ये क्या आ जाएगा बताओ, √3.25, यहाँ पे प्लस है यानी कि यहाँ बीच में माइनस साइन लगेगा, तो √2.25 का गुणा होगा, अंश में भी हर में भी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, √3.25 माइनस √2.25, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा, मुझे हर में जो संख्या दिख रही है वो ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रही है, यानी कि ये क्या होता है, ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, √3.25 माइनस √2.25 बटे √3.25 का वर्ग माइनस √2.25 का वर्ग, ठीक है। देखिए ये क्या आ जाएगा वैल्यू, अगर मैं इसको अब हल कर दूं तो ये √3.25 का वर्ग यानी कि 3.5 में से 2.5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बच कितना जाएगा, √3.25 माइनस √2.25 बटे 3.25 माइनस 2.25, यानी कि यहाँ से ये वैल्यू आ गई √3.25 माइनस √2.25, ठीक है, बटे 1 है, तो लिखे ना लिखे उसकी जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, तो मेरा समीकरण 1 हो गया ये। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगले भी जो संख्याएं दे रखी हैं जो कि हमें जोड़नी है उसका भी इसी तरीके से आएगा, ठीक है, तो दूसरे अगले के लिए भी, इसके लिए भी क्या आ जाएगा, दूसरे के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कितना दिया हुआ है, दूसरी संख्या मुझे 1/√4.25 प्लस √3.25, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये भी कितना आ जाएगा, √4.25 माइनस √3.25 जिस तरीके से पहले वाली संख्या के लिए आया था, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी संख्या के लिए भी आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1/√5.25 प्लस √4.25 अगर है तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5.25 माइनस √4.25। इसी तरीके से चौथी संख्या के लिए भी क्या हो जाएगा, यानी कि 1/√6.25 प्लस √5.25 है अगर, तो इसके लिए मेरा हल क्या होगा, √6.25 माइनस √5.25, जिस तरीके से हमने पहले वाले को सॉल्व किया उसी तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे ये चारों मिल चुकी हैं वैल्यूज, समीकरण 2, समीकरण 3 और ये हो जाएगा समीकरण 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं चारों को जोड़ दूँ, अगर मैं चारों को जोड़ देता हूँ, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3.25 माइनस √2.25। ये पहले समीकरण से आ गया, दूसरे समीकरण से क्या आएगा बताइए,
रूट 4.25 माइनस रूट 3.25 प्लस रूट 5.25 माइनस रूट 4.25 फिर प्लस रूट 6.25 माइनस रूट 5.25। देखिए ये मेरे वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि कौन कौन सी वैल्यूज़ कट सकती हैं। तो आप देखिए, पहली वैल्यू रूट दो 3.25 एक बार प्लस में है और दूसरी बार माइनस में है, तो ये प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू से कट जाएगी जी, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे रूट 4.25 और माइनस रूट 4.25 कट जाएंगे, प्लस रूट 5.25 और माइनस रूट 5.25 कट जाएंगे, तो बचेगा क्या मेरा, यहाँ पे बचेगा रूट 6.25 माइनस रूट 2.25, ठीक है। और 6.25 किसका, अगर इसका वर्गमूल निकालूं, रूट निकालूं, तो ये कितना आ जाएगा 2.5, और अगर 2.25 का वर्गमूल निकालूं तो ये कितना आ जाएगा 1.5, यानी कि 2.5 माइनस 1.5 ये कितना आ गया 1, तो 1 मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।